मैं लुट गया, मैं लुट गया, मैं लुट गया। वेलकम टू माई चैनल गाइज। और इस तरह से हमारा नाइट राइड शुरू होती है। हम अपनी अपनी स्कूटी लेकर निकल जाते हैं हैप्पी साइकिल स्टोर। हैप्पी साइकिल स्टोर हो चुके हैं भाई, अब करेंगे नाइट राइड। वो ब्लॉग बन रहा है। हाँ, ब्लॉग चालू है और ये इनका वीडियो आने वाला है, अपने चैनल पे आएगा बहुत जल्द। पेशेंस क्या होता है आप देखोगे उस वीडियो में। तुम्हें भी करेंगे भाई, नवाब साहब आपको क्यों नहीं करेंगे। और इस तरह हमने एक एक एनर्जी ड्रिंक खींच ली जिससे कि हमें रात में एनर्जी बनी रहे। आराम से चलिए। हाँ, अब मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। जैसे ही हम साइकिलिंग शुरू करते हैं हमें पता ही होता है सुकन्या को थोड़ी साइकिल कम चलाना आता है, इसलिए हमें डरता है किसी की टांगे ना तोड़ दे। हम इसलिए धीमे धीमे चलते हैं और ये फिर भी नहीं मानी, इसने वैगनर में बस ठोक। और नेहा भी थक चुकी है शायद, पीछे रहते हुए हमेशा की तरह पीछे। अभी हम आ चुके हैं मरीन ड्राइव, बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग देख सकते हो तुम, कितने पसीने आ रहे हैं। इधर पूरा मरीन ड्राइव का व्यू, पीछे एकदम शांत। करेंगे आगे, कंटिन्यू करते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। अभी आगे जाते हैं हम हाजी अली स्पॉट पे आएंगे। ओके, trying to fly high but I'm not a pilot, can't deny it, there's some days of राहों में बाहों में निगाहों में दिल डूबा, मैं लुट गया, मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, सुंदरा दिलरुबा, चला ये जादू तेरी आंखों का, मेरा दिल हो गया। देखो स्टिंग पी के स्टंट बाजी कर रहे हैं ये देखो हवाबाजी, पूरा काफला चल रहा है अपना पीछे। ये देखिए अरे भाई, हेलो 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 हेलो, ये देखिए इनकी हालत क्या हो गई है, चला नहीं पा रही थी तो पैदल पैदल लेके आई है। चला 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 एक सफर है सुहाना। और यहाँ से थोड़ा इन्हें आराम मिलेगा, यहाँ से स्लो पे सीधा जाएंगे हाजी अली की तरफ। गुड, बहुत अच्छे। चल अब मैं बना दूंगा तेरी। बस वीडियोग्राफी के लिए रह गया बस, मैं तो भाई टूट गया, मैं तो खत्म हो गया यार मैं तो। हम जैसे ही हाजी अली पर पहुंचते हैं हम देखते हैं वहां पर कुछ जो क्रिश्चियंस होते हैं वो अपने जो सेंट जोसेफ डे था वो अपना सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और इसी के सामने ईसा अंबानी का घर था जो हमने देखा $61.2 million का। और ये हम रेस कर रहे थे तो, और जैसे कि पता ही है कौन जीतेगा, ऑब्वियसली मैं ही जीता, ये तो बच्चे हैं अपने सामने। चल झूठा कि ये रेस हारने के बाद इन्होंने सबको खिलाई आइसक्रीम और फिर हम चलते हैं सीधा। रात में साइकिलिंग का एक अलग ही मज़ा है, आप देखोगे तो एक अलग ही एक्सपीरियंस आता है आपको, भी मैं बोलूँगा कि करनी चाहिए। बीच में पड़ता है एक बहुत बड़ा चौक, हम सोचते हैं कि यहाँ पर एक फ़ोटो बहुत अच्छा आ सकता है तो इसलिए हम रुकते हैं और ग्रुप में फ़ोटो लेते हैं सीधा, और सीधा निकल जाते हैं हम जीएसटी भवन की तरफ। आफ्टर 27 किलोमीटर साइकिलिंग पूरी तरह थक चुके हैं सब, और टाइम हो चुका है, इट्स कितना टाइम हुआ है, टाइम 3:08 हो चुके हैं, रोड खाली है, पानी ख़त्म हो चुका है अपना, अभी बिल्कुल थक चुका है, बस जाते हैं अभी एसेटिक सोसाइटी से वहाँ स्टॉप है अपना, उसके बाद ट्रेन लेंगे फिर से, फिर साउथ मुंबई कोलाबा पहुँचेंगे फिर से वापस जहाँ से स्टार्ट किया था, उसके बाद घर को निकलेंगे। इस समय शायद सुबह 5 बजे जाएंगे या फिर देखते हैं थोड़ा जल्दी हो पाता है तो। अभी हम पहुँच चुके हैं कालबा देवी, देखिए भाई आगे जा चुके हैं, ठीक है मिलते हैं। क्या क्या सीन,
जैसे कि आप देख पा रहे हो बुरी तरह थक चुके हैं। जीएसटी भवन आने वाला है, जीएसटी भवन पे रुकेंगे, पानी वानी पियेंगे, उधर देखते हैं कोई होगा हवलदार तो अपना। बस फाया। और फिर हम सीधा पहुंच जाते हैं फ्लोरा फाउंटेन, जहां से हम जाएंगे एसेटिक सोसाइटी लाइब्रेरी। यहां पर हम फोटो क्लिक करते हैं अपने और फिर निकल जाते हैं सीधा एसेटिक सोसाइटी की तरफ। पूरा खाली है इधर, अभी पूरा इधर हम बात कर रहे हैं, इवेंट जो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं उनसे। पीछे देख सकते हो आप, ये पूरा गेटवे है और इधर पूरा शांति है एकदम। ये बोट्स खड़ी हुई हैं और इधर अपना ताज है, ताज का बैकग्राउंड है, होटल ताज। और जैसे कि आप देख पा रहे हो एकदम शांत माहौल है इधर, बिल्कुल पानी की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और अब हम निकलेंगे सीधा वापस से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ये देखिए शानदार ताज का नज़ारा। और ये देखिए अपना चीता लड़का, ये रैंकर है अपना, 318 रैंक है इसकी। जब आप भी ऐसे रैंक लाते हो ना तो अपने आप ही स्टंटबाजी निकलती है। देखिए ये देखिए, जैसे ये स्टंट दिखाते हो, ये देखो ये स्टंटबाजी चल रही है। आप भी रैंक लाइए और ऐसे स्टंटबाजी करिए, बिल्कुल नो टेंशन। 5:09, पूरी सड़कें खाली हैं आफ्टर 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर साइकिलिंग के बाद अभी हालत ऐसी हो गई है, बस होके ही पता नहीं चलेगा। नाप लिया है आज हमने साइकिल के थ्रू ही, तो चलते हैं। अभी अपनी आ चुकी है कॉलोनी, ये अपनी कॉलोनी है CGS कॉलोनी, जैसे कि आप देख पा रहे हो सब कुछ एकदम शांत है। सुबह हो चुकी है, सुबह की वॉकिंग स्टार्ट हो गई है और अभी हम लोग अपने काम पे निकलने लगे हैं, इतनी सुबह हो चुकी है, हमारी रात ही नहीं हुई है। अपना देखते हैं, खड़े कर देते हैं। तो गाइस ये वीडियो मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले कैमरा ऑन करना भूल गया था। तो गाइस हम आ चुके हैं घर पे अपने और अभी देख सकते हो आप कितना थकान हो चुकी है, कितनी बहुत थकान हो चुकी है और टाइम हो चुका है कितना 7:07 बज रहे हैं अभी। बहुत मज़ा आया मिडनाइट साइकिलिंग में, और अगर आप भी मुंबई में तो आपको भी एक बार करना चाहिए। तो ऐसे ही थोड़ी बहुत छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी व्लॉगिंग आती रहेगी चैनल पर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, नहीं वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।